बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गाइस आज इतवार का दिन है, 20 नवंबर 2022। और आज के दिन जो मैंने मछली लाई थी मार्केट में, और आप देख सकते हैं इतवार के दिन ना, एक मज़े की बात यह है कि लोकल व्यापारी जो कि सिंध के एरिए गए होते हैं, और ये सामने सुपर हाईवे है, यहाँ से जब लोग आते हैं तो मंडी की तरफ रुख करते हैं और इधर आके बोली का हिस्सा बनते हैं, और जिसकी वजह से फार्मर को ही फ़ायदा होता है। जब वो लोकल लोग मंडी में आते हैं और बोली का हिस्सा बनते हैं, बोली में अगर अपना हिस्सा लेते हैं तो उनके रेट जो हैं, फार्मर की जो प्राइस है वो मछली की वो ऊपर चली जाती है, क्योंकि लोकल लोग जब आते हैं वो देखते हैं 300-350 बोली लग रही है तो वो भी हिस्सा लेते हैं, तो 390-380 तक चली जाती है। तो संडे के दिन में एक बेनिफिट ये होता है कि अक्सर जब आप देखते हैं 14 अगस्त का दिन है, उस टाइम भी मछली का रेट काफ़ी ऊपर जाता है। अगस्त के महीने में जब 14 अगस्त की छुट्टी होती है, उस दिन भी अगर आप मछली लाएंगे तो आपका अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे सकती है। तो अभी तो नवंबर है, सीज़न का स्टार्ट है, और लोग देख सकते हैं काफ़ी तादाद में मछली ला रहे हैं। इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और ये सूरत हाल है कि अभी भी सुजुकियाँ आ रही हैं, लोग माल ला रहे हैं। तो आज मेरा भी माल आया है, तो मेरा भी अभी तक जो 5 एकड़ की मछली है वही हार्वेस्ट हो रही है। आज माशाल्लाह से 4th चक्कर था, तो मैं आज आपको बताऊँ कि मेरे जो मराकी का रेट था वो क्या गया है। वो 335 रुपये में गई है, जिसका जो साइज़ था वो लगभग 2 किलो का था। दो किलो की जो मुराकी है वो 335 रुपये रेट लगा है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फार्मर आज अपनी मछली को हार्वेस्ट करें या ना करें, क्योंकि इस बार का दिन है। और इसी तरह थोड़ा सा छोटा मुराकी 300 रुपये में गया है, जो कि 2.25 किलो का था, और फिर 2.25 किलो का 310 में भी गया है, फिर 1.5 किलो का जो था 280 में गया है, और किलो एवरेज वाला जो था वो 240 में गया है। और रोहू का मैं आपको बताऊँ, जो किलो वाली थी, किलो से थोड़े से कम 900 ग्राम वो 205 में गई है, और उससे मतलब जो एवरेज रेट में बताऊं वो 195 रुपये की ये रोहू, जो कि 900 ग्राम की थी। और छोटे से छोटा जो रोहू था वो जो गया है मेरा 130 रुपये में गया, क्योंकि वो आधा किलो का रोहू था, और एवरेज रेट जो मैं बोलूँ आधा किलो से जो प्लस थी थोड़ी सी वो 160-170 में गई है। तो इसी तरीके से जो ग्रास है, ग्रास का रेट बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रास का अगर आपके पास 2-3 किलो की अगर आती है तो वो बहुत अच्छा रेट दे सकती है, 400 रुपये किलो भी दे सकती है। तो लिहाजा मेरा तो ग्रास जो है वो बहुत छोटा आया था, इसलिए उसका जो रेट है 370 रुपये गया है, जो कि 2.5 किलो वाला था 370 में गया है। मतलब 3.5 किलो की 2 दाने थे, तो इसका मतलब 2.25 किलो हो गई, 2.25 किलो की 370 रुपये में जा रही है। आप देख सकते हैं 2 किलो का रेट क्या चला है। इसी तरह छोटे से छोटा जो ग्रास है, किलो एवरेज किलो से भी डाउन, वो 170 रुपये में गई है। गुलफाम जो 2 किलो की थी वो 280 में जा रही है, और 160 में जो कि आधा किलो की से थोड़ी सी ऊपर थी अगर हम बोलें 750 ग्राम, वो जो गई है 160 रुपये में गई है। सिल्वर का व्यापारी आ चुका है मंडी में, सिल्वर जो है अभी व्यापारी इन हुआ है, ये स्टार्ट है। दिसंबर में भी सिल्वर का रेट और भी ऊपर जाए, तो इस वक्त जो सिल्वर का रेट गया है वो 200 रुपये किलो गया है। और सोल जिसका कोई मोल नहीं, ये तो सोल का तो हक है, जो इस मंडी की शान है मछली, वो सबसे महंगी जो मछली जो इस मंडी में आती है फार्मर लेकर आते हैं, वो फूल वाला सोल है। सोल का जो रेट है वो 1120 रुपये 2 किलो वाली का गया है। तो ये जो है आपकी 2 किलो वाली जो सोल होगी वो 1100 प्लस जाएगी, अगर 3 किलो की आप एवरेज लगा सकते हैं 1300 में भी जाएगी। इसी तरीके से जो 200 ग्राम, मतलब 2 किलो में 100 ग्राम छोटी है, वो 920-950 में भी जा रही है। तो 2 किलो की अगर सोल आप लाते हैं तो वो 1100 प्लस जाएगी। इसी तरीके से जो सिंगाड़ा है वो 700 रुपये किलो जा रहा है, 2 किलो वाला, और किलो वाला 380 में गया है। थेरी का रेट मैं अगर आपको बताऊं, थेरी जो मेरी गई है वो भी 2 किलो 2.25 किलो की थेरी थी, वो 270 रुपये में गई है। और कुछ दया का अवर लाट था, तलापिया मछली की अवर लाट मछली थी, वो तो 300 रुपये अवर लाट, मतलब आधा किलो किलो, मतलब 1.5-2 किलो की होगी, तो वो 300 रुपये में गई है। अभी आप देख सकते हैं कि व्यापारी अभी भी आ रहे हैं, मछली अनलोड हो रही है। इसी तरीके से फार्मर भी आ रहे हैं, अपनी मछली लेकर आ रहे हैं, व्यापारी भी इन हो रहे हैं। तो आज नवंबर का वो महीना है, स्टार्ट सीज़न है, मछली काफ़ी ज़्यादा तादाद में मार्केट आ रही है और सेल हो रही है। और सबसे खुशाइन बात यह है कि व्यापारी भी कम नहीं है, व्यापारी भी अच्छा आ रहा है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब दिसंबर शुरू होगा तो दिसंबर के शुरू में रेट बहुत अच्छा जाएगा।
तो लिहाजा मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ी रही है और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको रेट का अंदाज़ा हो सके। और साथ ही साथ मैं न्यू फार्मर को कहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फिश फार्मिंग बिजनेस, ताकि आपको इसी तरह की रेट के हवाले से और मछली के हवाले से अपडेट मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। तमाम फार्मरों को के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक उनको भी तरक्की दे और मुझे भी तरक्की दे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। सही है।